बबीना थाना पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिस पर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी निरीक्षक बबीना वेद प्रकाश पांडे को पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि बबीना कस्बे के 20 क्वार्टर राजा तालाब मोहल्ले में जुए की फट चल रही है। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम अमित पुत्र हरी उम्र करीब 28 वर्ष, करण पुत्र स्वर्गवासी सुरेश उम्र करीब 26 वर्ष, मिलन पुत्र गणेश प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष, वीरू पुत्र स्वर्गवासी नत्थू राम उम्र करीब 26 वर्ष, शिवम पुत्र राजेंद्र उम्र करीब 24 वर्ष, जगमोहन पुत्र लक्ष्मी नारायण उम्र करीब 22 वर्ष, अभिषेक पुत्र बालकिशन उम्र करीब 18 वर्ष, निवासीगढ़ मोहल्ला 20 क्वार्टर कस्बा व थाना बबीना झांसी एवं मोहित पुत्र मनोज कुमार उम्र करीब 33 वर्ष, आकाश पुत्र राजेंद्र उम्र करीब 27 वर्ष, विजेंद्र पुत्र रघुवीर उम्र करीब 35 वर्ष, समीर खान पुत्र शाहिद हुसैन उम्र करीब 38 वर्ष, निवासीगढ़ MH अस्पताल के पीछे राजा तालाब बबीना रूलर थाना बबीना जिला झांसी बताए गए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 8,740 नगद व ताश की 4 गड्डी और फड़ से 15,160 रुपए जमा तलाशी पर बरामद किए हैं। अभियुक्तों के पास से कुल 23,900 रुपए बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ धारा 13G एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडे, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, उप निरीक्षक अनुज यादव, उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार रंजन, कांस्टेबल राकेश बाबू एवं कांस्टेबल सुधीर कुमार तथा गौरव कुशवाहा और राजकुमार समेत PRD हरिओम ने सराहनीय भूमिका अदा की है। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक रायन की रिपोर्ट।